आप सावधान हो जाए, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, अगर आप इमरजेंसी में कहीं फंस जाते हैं तो आप बैंक वाले क्या सजेशन देंगे बता रहे हैं? अगर आप पैसे निकालने के लिए बैंक में गए तो बैंक वाले क्या बोलेंगे? आप फोन पे के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू उनको पेमेंट कीजिए, बल्कि आपको कैश नहीं निकाल के देंगे। अभी एक मामला बहुत वायरल हो रहा है, ये कौन सा बैंक का है ये कन्फर्म नहीं बता सकते हैं, बट यही चीज सजेशन देंगे। अगर आपके अकाउंट में पैसा है, अगर वो बोलेंगे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कीजिए, अगर आपका कोई फ्रॉड हो जाता है वो बैंक वाला भी रिस्पॉन्स नहीं लेगा, एक ही लाइन कहेंगे FIR कीजिए, फलना कीजिए, चिल्ला कीजिए, दिस डैट दुनियादारी सारा सारा दिमाग पे आपको बोझ देते रहेंगे, लेकिन आपका काम कुछ भी नहीं होने वाला। इसीलिए आप लोग सजेशन देते हैं कि बैंक अकाउंट में कम ही पैसा रखा कीजिए, ज़्यादा रखने से क्या होता है आपके जब इमरजेंसी पड़ेगा, मेडिकल की जरूरत पड़ेगी, उस टाइम आपका बैंक अकाउंट भी नहीं, बैंक वाले भी कुछ सहायता नहीं कर सकते। LIC वाला एक है जो एनी टाइम मरने का ही फायदा बताता है, जीने का कभी फायदा नहीं होता, वही अब वही हाल बैंक वाला कर दिया। आप तो रखते हैं बैंक में पैसा कि इमरजेंसी में मुझे काम पड़े, लेकिन बैंक वाला ऐसा चूतियाबंदी कर रहे हैं अभी कस्टमर के साथ, वो एक भी रुपया नहीं निकाल के दे रहे हैं। वो बोलेंगे एक लाइन में आपको हम एक्सेस दे दिए हैं फोन पे का, सॉरी नेट बैंकिंग का, आप इसका एक्सेस दे दिए हैं 10 लाख का, आप एक दिन में 10 लाख ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यार हमको, हम पढ़े लिखे अंगूठा छाप है, आप बता रहे हैं अभी बैंक में 100 अकाउंट होगा ना तो 20% अंगूठा छाप का अकाउंट होगा। जिनका अंगूठा छाप है वो कैसे नेट बैंकिंग चलाएंगे? अगर उनके अकाउंट में 10 लाख 20 लाख रुपया है तो कैसे नेट बैंकिंग चलाएंगे बताइए? तो ये बैंक वाले को समझना चाहिए कि बैंक वाला अभी चूतियापंती इतना कर रहे हैं ना कि कुछ कहने लायक नहीं। यहीं पे वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं।